हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं जितने भी थेरम्स बढ़ेंगे उसमें जो पिछले प्रोजेक्शन के वीडियो लेक्चर के बहुत सारे रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं इसीलिए पहले आप वो वाला वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था और थोगनल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था फिर इन वेरियंस रेडियोसिबिलिटी क्या होती है किसी ऑपरेटर की आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ना है और ऑफ टू प्रोजेक्शन किन्हीं दो प्रोजेक्शंस को कब हम और थोगनल बोलेंगे डेफिनेशन इज टू प्रोजेक्शंस पी एंड क्यू ऑन हिलबर्ट स्पेस एच सेट टू बी और इफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो यानी कि अगर दो प्रोजेक्शन के लिए ये कंडीशन होल्ड करे तो हम बोलेंगे कि ये दोनों प्रोजेक्शंस क्या हैं और थोगनल अभी पिछले वीडियो लेक्चर के थेरो नंबर फाइव को रिमाइंड करते हैं कि अगर पी क्यू दो प्रोजेक्शन हैं ऑन क्लोज लीनियर सब स्पेस एम एंड एन ऑफ फिलबर्ट स्पेस एच देन एम इज फॉर पेंडिकुलर टू एन दैट इज एम इज और थोगनल टू एन इफ एनॉलिव पी क्यू इक्वल्स टू जीरो इफ़ एनॉलिव क्यू पी इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट भी हैं सो so अगर हम बोलते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू जीरो हो तो पी क्यू प्रोजेक्शन दोनों क्या है और थोगनल तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर एम और थोगनल एन के क्योंकि ये स्टेटमेंट इसी के इक्विवेलेंट है अगर एम और थोगनल है एन के तो ये दोनों प्रोजेक्शन पी क्यू क्या होंगी और थोगनल यानी कि दो प्रोजेक्शन और थोगनल कब बोलेंगे हम इफ देयर आर कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज स्पेस आर और थोगनल एम यहां पर पी की रेंज स्पेस है और क्यू यहां पर एन की रेंज स्पेस है तो थोग्नैलिटी की ये एक और डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑन लिनियर सब स्पेस एम वन एम टू एम एन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि ऑन एम वन का क्या मीनिंग है कि पी वन की रेंज स्पेस है एम वन पी टू की रेंज स्पेस है एम टू एंड पी एन की क्या है एम एन रिस्पेक्टिवली ऑफ अ हिलबर्ट स्पेस सेच देन पी विच इज इक्वल पी 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 वन प्लस प्लस टू ओन एन प्रोजेक्शन ऑन हिलबर्ट स्पेस एट एंड ऑलिफ पी आई पी जे इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई डॉट इक्वल टू जे यानी कि इन प्रोजेक्शन का सम जिसको हमने पी से डिनोट किया है वो प्रोजेक्शन कब होगा ऑन एच इफ पी आई पीजे टू तो जीरो पी जितने भी हैं वो सारे पेयर वाइज और थोगनल होंगी और थोग्निटी की यही कंडीशन है ना कि किस टू तो जीरो तो पी आई पीजे टू तो जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू तो जीरो क्या इंप्लाई करता है कि पी आईज सारी क्या होंगी पेयर वाइज और थोगनल और इसी के साथ पी प्रोजेक्शन होगी ऑन एम वियर एम इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू प्लस ऑन एम एन यानी कि P के लिए रेंज स्पेस कौन होगी M वेयर M इज द सम ऑफ रेंज स्पेसेस एम वन एम टू एंड एम एन अभी गिवन क्या है P1 P2 Pn आर ऑल प्रोजेक्शन सो ईच पी आई विल बी लीनियर आई डेम्पोटेंट कंटिन्यूस एंड सेल्फ एड सपोज करके चलते हैं कि पी आईज क्या है पेयर वाइज और थोगनल प्रूव करेंगे P इज अ प्रोजेक्शन ऑन H, हिलबर्ट स्पेस H. यानी कि P को हमने प्रूव करना है लीनियर आई डेम्पोर्टेंट कंटिन्यूस एंड सेल्फ एड ज्वाइंट फर्स्टली वी विल शो दैट पी इज आई डेम्पोर्टेंट फॉर दैट कंसिडर पी स्केयर विच इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस ओन पी एन होल स्केयर एंड इट कैन बी रिटर्न एज पी वन प्लस पी टू प्लस ओन पी एन पी वन प्लस पी टू प्लस ओन पी एन ये किसके इक्वल आएगा पी वन स्केयर प्लस पी टू स्केयर प्लस पी एन स्केयर इसको समझने के लिए मैं सिर्फ दो लेकर के चलती हूँ पी वन एंड पी टू कंसीडर पी वन प्लस पी टू होल स्केयर विच विल बी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू एंड पी वन प्लस पी टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास पी वन स्केयर प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू पी वन प्लस पी टू स्केयर पी वाइज तो सारी पेयर वाइज और थोक ना तो पी वन पी टू भी जीरो हो जाएगा पी टू पी वन भी जीरो होगा क्या बचेगा हमारे पास पी वन स्केयर प्लस पी टू स्केयर अगर दो की बात कर रहे हैं इसका रिजल्ट इसके इक्वल तो अगर एनी टाइम्स बात करेंगे क्या आएगा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पी वन स्केयर प्लस पी टू स्केयर प्लस सो ऑन पी एन स्केयर और ये सारी तो प्रोजेक्शंस हैं सो ये सारी आइड एम्पोटेंट होगी सो पी वन स्केयर इक्वल्स टू पी वन पी टू स्केयर पी टू एंड पी एन स्केयर पी एन विच इज फर्दर इक्वल्स टू पी दैट इज पी इज आई आईडम्पोर्टेंट नाउ इच पी आई इज लीनियर

पेयर वाइज और थोगनल दैट इज वी हैव टू शो दैट रेंज स्पेस ऑफ पी आई से एम आई इज और थोगनल टू रेंज स्पेस पी जे से एम जे दैट इज एम आई इज़ और थोगनल टू एम जे यानी कि यहाँ पर हमने ये सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज करनी है कि अगर दो प्रोजेक्शन और थोगनल हैं तो उनकी कॉरिस्पोंडिंग जो रेंज स्पेसिज होंगी वो औरथोगनल होंगी फॉर दिस वी कंसिडर एक्स बिलोंग्स टू एम आई एंड वाई बिलोंग्स टू एम जे बी एनी पॉइंट एज एम आई इज रेंज स्पेस ऑफ पी आई दैट इज़ एम वन इज़ रेंज स्पेस ऑफ पी वन एम टू पी टू की है और एम एन पी एन के लिए तो पी आई एक्स एक्स के इक्वल आएगा फॉर एवरी आई इक्वल्स टू वन टू एन क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्शन पी के लिए एम रेंज स्पेस हो तो एम में कैसे एलिमेंट होते हैं वो सारे एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी एक्स तो अगर एम आई रेंज स्पेस है पी आई के लिए तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे एक्स इक्वल्स टू पी आई एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे टेकिंग नॉम एंड स्केयर ऑन बोथ साइड्स वी गेट नॉम एक्स स्केयर इक्वल्स टू नॉम पी आई एक्स स्केयर दिस विल बी फर्दर लेस देन इक्वल्स टू सुमेशन जे इक्वल टू वन टू एन नॉम पी जे एक्स स्केयर क्योंकि ये सम है एंड टर्म्स का और ये एक सिंगल टर्म है सो so, ये लेस ही होगी इससे एंड दिस विल बी इक्वल्स टू पी जे एक्स पी जे एक्स इनर प्रोडक्ट इसको हमने इनर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और ये सारी तो प्रोजेक्शन है तो ये सेल्फ एड जॉइंट होंगे सो कैन बी एज पीजे स्टार इसको फिर से हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये पीजे डबल स्टार बन जाएगा और ये किसके इक्वल होगा पीजे के ही इक्वल होगा क्योंकि जॉइंट वाले वीडियो लेक्चर में हमने रिजल्ट पढ़ा था कि टी डबल स्टार किसके इक्वल होता है टी के इक्वल सो वी गेट सुमेशन इक्वल्स टू वन टू एन पीजे स्केयर एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट पीजे सारे क्या है प्रोजेक्शन तो पीजे स्केयर पीजे के इक्वल आएगा यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू सुमेशन जे इक्वल्स टू वन टू एन इनर प्रोडक्ट पी जे एक्स विद एक्स क्योंकि ये प्रोजेक्शन होने के कारण आइडेम्पोडेंट हो जाएगी इसको ओपन करेंगे क्या आएगा पी वन एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट सो ऑन पी एन एक्स विद एक्स ज्वाइन करेंगे पी वन प्लस पी टू सो ऑन पी एन एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट इसका आंसर पी के इक्वल है पी एक्स विद एक्स पी को फिर से हम पी क्या राइट कर सकते हैं क्योंकि कन्वर्स पार्ट में हम पी को प्रोजेक्शन लेकर के चले हैं पी यहाँ पर लेकर के आएंगे पी स्टार बन जाएगा इसको फिर से अगर नॉम में चेंज करें क्या बन जाएगा नॉम पी एक्सर दिस विल बी फर्दर लेस देन इक्वल्स टू नॉम एक्स स्केयर और ये कैसे आया इसका रीजन है नॉम एक्स स्केयर को ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स प्लस आई माइनस पी इन टू एक्स नॉम स्केयर पी एक्स एड किया पी एक्स सब किया इसको फर्दर हम लिख सकते हैं नॉम पी एक्स स्केयर प्लस आई माइनस पी एक्स नॉम स्केयर ये इसके इक्वल आया पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके उसके अकॉर्डिंग अगर x और y दो परपेंडिकुलर एलिमेंट हो तो नॉम x प्लस वाई होल स्केयर इक्वल होती है नॉम एक्स स्केयर प्लस नॉम वाइज कर तो पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करके हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया क्योंकि पी एक्स एलिमेंट आई माइनस पी एक्स के परपेंडिकुलर है इसका रीज़न आप लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव में थ्योरम नंबर टू में देख सकते हैं वहां पर मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इसके परपेंडिकुलर कैसे आया और ये दो टर्म्स का सम है यहां पर अगर एक ही टर्म लिखे तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा सो नॉम एक्स स्केर इज ग्रेटर देन टू नॉम पी एक्स एक्सर दैट इज नॉम पी एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स स्केर इसको ज्वाइन करके लिखेंगे नॉम एक्स स्केर इक्वल टू नॉम पी आई एक्स स्केयर विच इज लेस देन इक्वल टू सुमेशन जे फ्रॉम वन टू एन नॉम पी जे एक्स स्केर एंड विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स स्केर अब इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है और अगर किसी इनक्वालिटी में ऐसे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो तो इक्वालिटी थ्रू आउट होल्ड करती है यानी कि ये दोनों टर्म्स के आ जाएंगी इक्वल तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सुमेशन जे फ्रॉम वन टू एन नॉम पी जे एक्स स्केयर इक्वल्स टू नॉम पी आई एक्स स्केयर अब इस सुमेशन को ओपन करेंगे हम हमारे पास आ जाएगा पी वन एक्स नॉम स्केयर प्लस पी टू एक्स नॉम स्केयर बीच में कहीं पी आई आएगा पी आई एक्स नॉम स्केयर प्लस सो ऑन पी एन एक्स नॉम्स केयर विच इज इक्वल्स टू नॉम पी आई एक्स स्केयर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास पी वन पी टू पी एन बचेगा और इधर क्या रह जाएगा जीरो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं सुमेशन फ्रॉम जे इक्वल्स टू वन टू एन पी जे एक्स नॉम स्केयर इक्वल्स टू जीरो फॉर जे नॉट इक्वल टू आई क्योंकि आई वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया ना और किन्नी टर्म्स का अगर सम जीरो हो तो ईच टर्म जीरो होनी चाहिए सो नॉम पी जे एक्स स्केर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जे नॉट इक्वल्स टू आई नॉम अगर जीरो आ रही है तो वो एलिमेंट भी जीरो होगा सो पी जे एक्स इक्वल टू जीरो फॉर जे नॉट इक्वल टू आई दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ पी जे विच इज इक्वल्स टू एम जे और थोगनल क्योंकि अगर पी प्रोजेक्शन के लिए एम अगर हम रेंज स्पेस लें तो इसके नल स्पेस जो होती है वो एम और थोगनल के इक्वल होती है और यहाँ पर हमारी जो प्रोजेक्शन पी जे है उसके लिए रेंज स्पेस क्या है एम जे तो उसकी नल स्पेस किसके इक्वल आएगी एम जे और थनल इज एक्स बिलोंग्स टू एम जे और थोगनल फॉर जे नॉट इक्वल टू आई एक्स एलिमेंट एम जे और थोगनल में चला गया स्टार्टिंग में हम एम आई में, में लेकर के चले थे तो एम आई किसका सबसेट हो गया एम जे और थोगनल का अगर ये सारे का सारा इसके और थोगनल में है तो एम आई पर हो गया एम जे

हम पहले x m में से एलिमेंट लेकर के चलेंगे उसको हमने रेंज में प्रूव कर दें फिर हम रिवर्स इन इक्वालिटी प्रूव करेंगे पहले रेंज में से एलिमेंट लेकर के चलेंगे उसको m में प्रूव करेंगे अगर x m का एलिमेंट है m आगे किसके इक्वल है m1 वन प्लस एम टू प्लस सो ऑन एम एन एक्स किस तरह का एलिमेंट x1 वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन एक्स एन वेयर एक्स आई इज फ्रॉम एम आई आई इक्वल्स टू वन टू एन टेकिंग पी ऑन बोथ साइड्स पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन एक्स एन पी लीनियर है तो इसको राइट कर सकते हैं पी एक्स वन प्लस पी एक्स टू प्लस सो ऑन पी एक्स एन पी की वैल्यू राइट करेंगे पी वन प्लस पी टू प्लस ऑन पी एन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अभी ये सारे प्रोजेक्शन मैप्स हैं तो इसको अगर x1 एलिमेंट पे लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा इसका पी वन सिमिलरली इसको राइट करेंगे पी टू और इसको पी एन फिर से रेंज स्पेस का रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर एम पी के लिए रेंज स्पेस है तो एक्स एम का एलिमेंट है तो पी एक्स कैसे लिखेंगे हम एक्स के इक्वल यहाँ पर एक्स आई सारे किसके एलिमेंट्स है एम आई के एम आई क्या है रेंज स्पेस पी आई के लिए तो पी वन एक्स वन किसके इक्वल आएगा एक्स वन के इक्वल क्योंकि एक्स वन एलिमेंट एम वन का है और एम वन प्रोजेक्शन पी वन की रेंज स्पेस है सिमिलरली पी टू एक्स टू एक्स टू आएगा पी एन एक्स एन एक्स एन आएगा और ये सारा एक्स के इक्वल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स तो एक्स किस में चला गया रेंज स्पेस ऑफ पी दैट इज एमेज सबसेट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ पी अभी रिवर्स इन इक्वालिटी के लिए एक्स रेंज स्पेस में से एलिमेंट लेकर के चलेंगे एक्स किस कैसा फिर एक्स कैसा एलिमेंट होगा पी एक्स टाइप का पी की वैल्यू लिखेंगे पी वन प्लस पी टू प्लस सोन पी एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स प्लस वन पी एन एक्स इक्वल टू एक्स एक्स इसके इक्वल आ गया ये मेंबर किसका एम वन का ये एम टू का ये एम एन का तो एक्स किस में चला गया एम में चला गया क्योंकि एक्स किस तरह से हमने राइट किया है एम वन से एलिमेंट है एम टू से एम एन से है, और इसका सम एम के इक्वल था तो एक्स एम का एलिमेंट हो गया रेंज स्पेस पी की सबसेट हो गई एम का वन और टू को कंबाइन करेंगे रेंज स्पेस पी एम के इक्वल आ गई दैट इज पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम सेकेंड थियरम इफ़ पी क्यू आर प्रोजेक्शन ऑन क्लोज लीनियर सब स्पेस एम एंड एन ऑफ हिलबर्ट स्पेस एच देन प्रूव दैट पी क्यू इज़ प्रोजेक्शन इफ एंड ऑनलीफ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी यानी कि अगर ये कम्यूट करेंगे तो पी क्यू प्रोजेक्शन होगी ऑन हिलबर्ट स्पेस एच एंड इन दिस केस पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन एम इंटरसेक्शन एन यानी कि पी क्यू के लिए रेंज स्पेस कौन होगी एम इंटरसेक्शन एन पहले हम यहाँ तक प्रूव करेंगे फिर ये वाला पार्ट करेंगे फर्स्टली लेट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी ये लेट करेंगे और प्रूव करेंगे पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन एच टू प्रूव पी क्यू इज प्रोजेक्शन इसके लिए हमने पी क्यू को लीनियर कंटिन्यूस आइडेम्पोटेंट एंड सेल्फेड जॉइंट प्रूव करना है फर्स्टली सिंस पी क्यू आर बोथ प्रोजेक्शन ये गिवन ही है अगर ये दोनों प्रोजेक्शन है तो लीनियर होंगे तो इनकी प्रोडक्ट भी लीनियर होगी इसी तरह कंटिन्यूटी शो करेंगे फिर हमने आइडेम्पोटेंट चेक करना है पी क्यू स्केयर इक्वल्स टू पी क्यू इन टू पी क्यू इसको अगर ब्रैकेट में लें क्यू पी हम मान के चले हैं पी क्यू के इक्वल है राइट करेंगे पी इंटू पी क्यू इंटू क्यू क्या बनेगा पी स्केयर क्यू स्केयर पी क्यू दोनों प्रोजेक्शन है तो ये दोनों आइडेम्पोटेंट होंगे सो पी स्केयर क्यू स्केर पी क्यू के इक्वल आ जाएगा पी क्यू स्केर इक्वल टू पी क्यू सो पी क्यू इज अइड एम्पोर्टेंट सिमिलरली चेक कर सकते हैं आप एड जॉइंट के लिए इसके लिए सिर्फ हमने ये रिजल्ट यूज करना है कि पी क्यू स्टार इक्वल टू क्यू स्टार पी स्टार ये एड जॉइंट के वीडियो लेक्चर में प्रूव किया था अभी ये दोनों क्या है सेल्फ एड जॉइंट क्यू स्टार क्यू के इक्वल पी स्टार पी के इक्वल आ जाएगा सो पी क्यू स्टार इक्वल टू पी क्यू दैट इज पी क्यू इज अ सेल्फेड ज्वाइंट हैंस पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन हिलबर्ट स्पेस एच कन्वर्स पार्ट में हम मान के चलते हैं कि पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन एच प्रूव करेंगे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी कन्वर्स पार्ट में हम ये मान के चले हैं कि पी क्यू प्रोजेक्शन है तो पी क्यू सेल्फ एड ज्वाइंट होगी सो पी क्यू स्टार इक्वल्स टू पी क्यू इसको राइट करेंगे क्यू स्टार पी स्टार इक्वल्स टू पी क्यू एंड दैट एम्प्लाइज क्यू पी इक्वल्स टू पी क्यू अभी हमने सिर्फ सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन एम इंटरसेक्शन एंड दैट इज रेंज ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एम इंटरसेक्शन एंड एक्स एलिमेंट रेंज पी क्यू का लेकर के चलेंगे एक्स को कैसे राइट कर सकते हैं फिर पी क्यू एक्स गिविट नंबर वन टेकिंग पी ऑन बोथ साइड्स पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ पी क्यू एक्स पी स्केयर बन गया पी स्केयर फिर से पी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि पी प्रोजेक्शन है तो ये डम्पोर्टेंट होगी गिव इट नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी सो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू एम एंड दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एम गिव दिस इक्वेशन नंबर थ्री एज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी देर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट क्यू पी एक्स इक्वल्स टू एक्स गिविट नंबर फोर टेकिंग क्यू ऑन बोथ साइड्स क्यू स्केयर पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स क्यू प्रोजेक्शन है तो आई डा इम्पोर्टेंट होगी सो क्यू स्केयर इक्वल्स टू क्यू पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स गिव इथ नंबर फाइव अभी फोर और फाइव में ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल आएगी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स

अभी हमने रिवर्स इनिकवालिटी प्रूव करनी है उसके लिए मान करके चलेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है एम इंटरसेक्शन एन को तो एक्स एम का भी एलिमेंट होगा एन का भी एलिमेंट होगा पी क्यू एक्स इक्वल्स टू पी क्यू एक्स पी ऐसे रहेगा क्यू एक्स को एक्स राइट right करेंगे क्योंकि एक्स एलिमेंट एन का है एन किसकी रेंज है क्यू की तो क्यू एक्स क्यू की इक्वल आएगा और फिर से हम पी एक्स को एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एलिमेंट एम का है और एम रेंज स्पेस है पी की सो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा तो x किसके इक्वल आ गया पी क्यू एक्स तो x किसके इक्वल आ गया पी क्यू एक्स के दैट इज x बिलोंग्स टू रेंज पी क्यू हमने माना था x एलिमेंट m इंटरसेक्शन n का और चला गया रेंज पी क्यू में सो एम इंटरसेक्शन एन इज सबसेट रेंज पी क्यू गिव इट इक्वेशन नंबर b फ्रॉम a एंड b विथ कंक्लूड दैट रेंज पी क्यू इक्वल्स टू एम इंटरसेक्शन एन सो पी क्यू इज़ प्रोजेक्शन ऑन एम इंटरसेक्शन एन Now, next exercise is if P, Q are projections on closed linear subspace M and N of H. Janiki P is projection on M and Q is projection on N. M will be range space of P and N will be range space of Q. Then, following statements are equivalent. Number one, P less than equals to Q. Second, Px norm less than equals to norm Qx for every x belongs to H. थर्ड वन इज एम एज सबसेट ऑफ एन फोर्थ क्यू पी इक्वल्स टू पी एंड फिफ्थ वन इज पी क्यू इक्वल्स टू पी फर्स्ट लिफ वी प्रूव दैट रिजल्ट वन इम्प्लायज सेकेंड दैट इज मान करके चलेंगे कि पी लेस देन इक्वल्स टू क्यू है और प्रूव करेंगे नॉम पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू नॉम क्यू एक्स है फॉर दिस कंसिडर नॉम पी एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट पी एक्स विद पी एक्स पी इधर लेकर के आएंगे पी स्टार हो जाएगा पी स्टार को फिर से पी राइट कर सकते हैं क्योंकि पी प्रोजेक्शन है तो ये सेल्फ एड जॉइंट भी होगी फिर से क्यू स्केयर राइट कर सकते हैं यूजिंग एडेम्पोटेंसी ऑफ क्यू ये क्यू पीछे लेकर जाएंगे क्यू स्टार आएगा क्यू स्टार को फिर से क्यू लिखा हमने क्योंकि ये सेल्फ एड ज्वाइंट है प्रोजेक्शन होने के कारण इनर प्रोडक्ट की नॉम के साथ जो रिलेशन है उससे ये क्या आ जाएगा Qx तो हमने क्या प्रूव कर दिया नॉम पी एक्सर इज लेस देन इक्वल टू नॉम क्यू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच वी शो दैट सेकेंड एम्प्लाय थर्ड दैट इज एम इज ये हमने प्रूव करना है उसके लिए एक्स एक एलिमेंट एम में से लेकर के चलेंगे एम क्या है रेंज स्पेस पी की So, X को कैसे लिखेंगे टेकिंग फर्दर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू नॉम क्यू नॉम एक्स क्योंकि क्यू प्रोजेक्शन है तो वो कंटिन्यूस है इसके बाउंडेडनेस यूज करेंगे उससे हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉम क्यू नॉम एक्स विच इज़ फर्दर लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्वलिटी थ्रू आउट होल्ड करेगी इससे हमारे पास क्या आ जाएगा नॉम क्यू एक्स इक्वल्स टू नॉम एक्स नॉम इक्वल है तो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू एन एक्स हमने एलिमेंट लिया एम में से और प्रूव कर दिया एन में दैट इज एम इज सबसेट ऑफ एन अभी प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ यानी कि एम इज सबसेट ऑफ एन लेकर के चलेंगे और प्रूव करेंगे क्यू पी इक्वल्स टू पी फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू एच पी आर्बिटेरी एलिमेंट एंड दैट एम्प्लायज पी एक्स बिलोंग्स टू एम विच इज रेंज स्पेस ऑफ पी एंड एम इज सबसेट ऑफ सो विल बिलोंग टू एन विच इज रेंज स्पेस ऑफ क्यू तो अगर पी एक्स क्यू की रेंज स्पेस का एलिमेंट है तो पीएक्स कैसा होगा एलिमेंट क्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स सो क्यू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स दैट एम्प्लाइज क्यू पी इक्वल्स टू पी अभी अभी ये मान करके चलेंगे और प्रूव करेंगे पी क्यू इक्वल्स टू पी गिवन क्यू पी इक्वल टू पी टेकिंग एट जॉइंट ऑन बोथ साइड्स क्यू पी स्टार इक्वल्स टू पी स्टार ये क्या आ जाएगा पी स्टार क्यू स्टार इक्वल्स टू पी स्टार पी क्यू दोनों ही सेल्फ एड ज्वाइंट है क्योंकि प्रोजेक्शंस हैं तो क्या आ जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू पी नाउ वी विल शो दैट फाइव इम्प्लायज़ वन यानी कि ये कंसीडर करके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि पी लेस दैन इक्वल्स टू क्यू है फॉर दैट कंसीडर पी एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू नॉम पी एक्स स्केयर क्योंकि यहाँ से अगर ये सारे रिवर्स स्टेप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट पी एक्स विद एक्स इक्वल्स टू नॉम पी एक्स स्केयर एंड इन दिस पार्ट वी हैव एज्यूम्ड दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी सो पी कैन बी एज पी क्यू सो वी गेट नॉम पी क्यू एक्स स्क्यर एंड पी प्रोजेक्शन है तो कंटिन्यूस होगी कंटिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगी बाउंड्रेस्यूर डेफिनेशन यूज करके आएगा हमारे पास दिस इज लेस दैन इक्वल टू नॉम पी स्केयर नॉम क्यू एक्स स्केयर एंड दिस इज फर्दर लेस इक्वल टू नॉम क्यू एक्स स्केयर एंड दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स विद एक्स क्योंकि जैसे हमने इसको नॉम पी एक्स स्केयर लिखा वैसे ही हमने नॉम क्यू एक्स स्केयर को ये लिख देना है तो हमारे पास क्या आ गया इनर प्रोडक्ट पी एक्स विद एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स विद एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच दैट इज पी लेस देन इक्वल टू क्यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज इफ पी क्यू आर प्रोजेक्शन ऑन क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस एम एंड एन ऑफ एच प्रूव दैट क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन इफ एंड ऑन इफ पी लेस देन इक्वल टू क्यू एंड इन दिस केस क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंटरसेक्शन एम और थनल हमने क्यू माइनस पी को प्रोजेक्शन प्रूव करना है अगर पी लेस दैन इक्वल टू क्यू हो इसको हमने इफ एंड ऑन यानी कि बो साइड प्रूव करना है और फिर हमने शो करना है कि क्यू माइनस पी की रेंज फेस कौन है एन इंटरसेक्शन एम और थोगनल फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन ऑन एच एंड विल शो दैट पी लेस दैन इक्वल टू क्यू इफ दिस इज प्रोजेक्शन ऑन एच दैन क्यू माइनस पी इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर और ये रिजल्ट हमने लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव में थियरम नंबर थ्री में प्रूव किया था कि अगर पी प्रोजेक्शन है ऑन एच देन पी पॉजिटिव ऑपरेटर होता है तो क्यू माइनस पी प्रोजेक्शन है तो क्यू माइनस पी क्या होगा पॉजिटिव ऑपरेटर दैट इज क्यू माइनस पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्पलाइज क्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू पी दिस इम्प्लाइज पी लेस देन इक्वल टू क्यू नो वी लेट दैट

क्यू क्या है क्यू प्रोजेक्शन है तो यह डेम्पोटेंट होगी सो क्यू स्केर इक्वल टू क्यू क्यू पी इक्वल टू पी आ जाएगा पिछली एक्सरसाइज के रिजल्ट से जो अभी हमने प्रूव की है तो क्यू माइनस पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स बन गया इक्वेशन नंबर टू इसको नाम दें वन और टू की अगर लेफ्ट साइड इक्वल है राइट right भी इक्वल आएगी सो एक्स इक्वल टू क्यू एक्स एंड दैट विल एम्प्लाय एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू एन सो एक्स बिलोंग्स टू एन गिव इट नंबर थ्री अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वी कैन राइट क्यू एक्स माइनस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो दैट इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल्स टू जीरो अगर पी लगने के बाद इस एलिमेंट का आंसर जीरो आ रहा है तो एक्स किस में है नल स्पेस ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू एम और थोग्नल क्योंकि अगर पी कोई प्रोजेक्शन है ऑन एम तो एम इसकी रेंज स्पेस होगी पी की और इसकी नल स्पेस क्या होगी जिसको एन के साथ डिनोट करेंगे वो होगी एम का और थोगनल तो x किस में चला गया एम और में गिव इट नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन m और थोगनल तो रेंज स्पेस ऑफ q माइनस पी सबसेट बन गया n इंटरसेक्शन m और थोगनल का क्योंकि स्टार्टिंग में हम x एलिमेंट रेंज q माइनस पी में लेकर के चले थे मार्केट इक्वेशन नंबर ए

सो क्यू माइनस पेज प्रोजेक्शन ऑन एन इंटरसेक्शन एम और थनल एंड दिस वॉज द लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दूसरों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग